They said, नहीं सर, अगर आप 19 बैठे हैं तो सिंटा के भी पूरे होने चाहिए ना. बोले नो, वी डोंट रिकॉग्नाइज सिंटा. इम्पा डजंट रिकॉग्नाइज सिंटा. व्हाई? बिकॉज वी हैव फाइल्ड लीगल केसेस अगेंस्ट देयर मेंबर्स जो रेगुलर डिफॉल्टर हैं. फॉर एग्जाम्पल मीनाक्षी सागर, जिसकी पर्सनल गारंटी ली थी इम्पा ने कि अगर इन्होंने पेमेंट नहीं दिए हम गारंटी लेते हैं. इस गारंटी पर हमारे एक्टर्स जो शूटिंग रोक कर बैठे थे उन्होंने काम शुरू किया, फिर भी डिफॉल्ट किया पेमेंट में. वी वेंट टू कोर्ट एंड वील कीप गोइंग टू द कोर्ट्स बिकॉज वी आर नॉट स्केयर्ड. इस कुर्सी पर इसलिए नहीं आए थे कि डर करके चुप हो जाएं या हाथ खड़े कर दें. हमसे तो नहीं होता, हमसे नहीं होता तो अदालत से होगा, पुलिस कंप्लेंट करेंगे. आप हमें डीरिकॉग्नाइज कर सकते हैं सर, आज दुनिया हमें रिकॉग्नाइज करती है. सो इट्स बेटर दैट यू कम बैक टू द नेगोशिएशन टेबल, लेट्स टॉक. जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, यूनिमाई के थे, आईएलओ के रिप्रेजेंटेटिव थे. बहुत सालों से काम चल रहा है उस पर. फाइनली सिंटा ने उसमें पार्टिसिपेशन किया. कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस का लेटर बना करके हर प्रोड्यूसर एसोसिएशन को हमने भेजा. एक एसोसिएशन यानी इम्पा, जहां से जवाब आया, बहुत अच्छा है पर इंडिया में प्रैक्टिकल नहीं है. हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस प्रैक्टिकल नहीं है. दैट्स वॉट वी आर डीलिंग विद. येट वी विल डील एंड वी विल डील विद सेक्सुअल हैरेसमेंट एज वेल. हमसे जितना हो सकता है करते रहेंगे, रिजल्ट्स आएंगे. चाइल्ड आर्टिस्ट, वी हैव रिटन लेटर्स टू मिनिस्ट्री ऑल्सो. हर ब्रॉडकास्टर को लेटर लिखे सर, विशाखा गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती हैं, लेट नाइट पैकअप होता है, लड़कियों को ट्रांसपोर्ट नहीं मुहैया कराया जाता घर पहुंचने के लिए. किसी से भी कोई जवाब नहीं आया. चाइल्ड आर्टिस्ट से 12 घंटे उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होता है जो कि इलीगल है. मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, इकलौती इंडस्ट्री है जिसमें अलाउ किया गया नाबालिग बच्चे काम कर सकते हैं. इकलौती इंडस्ट्री को परमिशन दी गई पर साथ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए. 5 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करा सकते एक बच्चे से, 10 दिन से ज्यादा स्कूल मिस नहीं होना चाहिए. हमारे पास केसेस आए हैं जहां बच्चे का स्कूल का, हाई स्कूल का एग्जाम छुड़वाया गया सीरियल की शूटिंग के लिए. 18 घंटे 20 घंटे काम कराया गया, उसके बाद 2 साल तक पैसा नहीं दिया गया. रियलिटी शोज, सीरियल्स, रोज जिन बच्चों को काम करते आप देख रहे हैं, जो एंटरटेन कर रहे हैं आपको, वो स्कूल कब जाते हैं जरा सोचिए. मिनिस्ट्री क्यों सो रही है, क्यों हमारे लेटर का जवाब नहीं दिया, कब जागेंगे? सिर्फ कहते रहेंगे बच्चे देश का भविष्य है, भविष्य रोज मेकअप रूम में पिसता रहेगा. प्लीज वेक अप. एनीवेज, कुछ कदम लिए हैं सरकार ने, उसके लिए मैं थैंक यू भी कहूंगा. आग जब लगी थी, आई थिंक सिनेविस्टा में लगी थी जी, जो फायर ड्रिल्स हम 2015 से कहते आ रहे थे, अगर फायर ड्रिल्स हो गई होती वहां, वो 20-22 साल का लड़का नहीं मरता. डॉक्टर किरीट सोमैया, जो कि एमपी हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर लेबर के चेयरमैन भी हैं, फाइनली उन्होंने इंटरेस्ट लिया, कुछ स्टूडियोज विजिट भी किए, माली खस्ता हालत देखी, हमें इन्वाइट किया. दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई, INB मिनिस्ट्री के और लेबर मिनिस्ट्री के हाई ऑफिशियल्स भी थे. पूरी जो तस्वीर आपको बताई है वही उनको भी बताई और ये डिमांड की कि सर पहली बात तो इंडस्ट्री स्टेटस दे दीजिए, मालूम तो चले किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं. अब तक तो यही नहीं मालूम, लेबर मिनिस्ट्री के पास जाएं, INB के पास जाएं या कल्चर मिनिस्ट्री के पास जाएं, कहां जाएं सर? करोड़ों अरब, और हम सबकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक्टर्स की नहीं, ऑल ओवर इंडिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंक्लूडिंग यू गाइज, आप सब. वी हैव डिमांडेड अ सेपरेट एक्ट विच लेज डाउन आवर राइट्स क्लियरली, ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर्स क्लियरली, कितने घंटे काम होगा, कितने दिन में पेमेंट मिलेगा, कितनी छुट्टियां मिलेंगी. आखिरी बार आप में से ना किसने कहा था कि सर मेरे वर्किंग आवर पूरे हो गए हैं, ये असाइनमेंट मैं कवर करने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी? किसने कहा था आखिरी बार? सो वी आर टॉकिंग अबाउट यू ऑल्सो एंड वी नीड योर सपोर्ट इन दिस फाइट. वेब, डिजिटल, लाइव परफॉर्मेंसेस सबको इंक्लूड करना चाहते हैं एक सेपरेट एक्ट, ताकि कहीं भी शूटिंग हो, कहीं भी आप क्रिकेट का मैच कवर कर रहे हैं या इंटरव्यूज लेने जा रहे हैं, चाहे यहां, चाहे कोलकाता में, चाहे कहीं और,
सेंट्रल गाइडलाइंस हो क्लियरली, जहां मुझे ना कहने का हक हो, जहां मुझे पता है कि कानून मेरी ना को शक्ति देता है, क्योंकि ना एकमात्र शब्द है जो जिंदगी बना सकता है या बिगाड़ सकता है, और इसके लिए कलेक्टिव पावर बहुत जरूरी है। जो आज अकेले हैं, जो हमारी यूनियन का हिस्सा नहीं है, उन सब एक्टर्स से अपील है, आइए जुड़िए, साथ होंगे तो शायद ना कह पाएंगे, अकेले अकेले तो ना कहने की हिम्मत ही नहीं होगी। अपने स्टार्स से अपील है, सुपरस्टार्स से अपील है, जो हमारी ना को बहुत बड़ी ताकत दे सकते हैं, प्लीज जुड़िए, अपनी एसोसिएशन की ताकत बनिए, ऑलरेडी हैं, सपोर्ट करते हैं। यंग ब्रिगेड, उनसे बहुत उम्मीद है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, ये चीजें बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आज की लड़कियों को ना कहना आता है, हमारी जो यंग ब्रिगेड है स्टार्स की, उनसे अपील है, आइए आगे आइए, अपनी बाइट्स, अपने वीडियोस हमें दीजिए, दैट यस यू विल बी द चेंज, यू विल बी द फेस ऑफ द चेंज, एंड वी विल चेंज द इंडस्ट्री, बिकॉज वी कैन, वी मस्ट। हमारे जितने कलाकार हैं, सीनियर्स हैं, उन सबसे अपील है, इंटरव्यूज में भी कहा है, वो बातें दोहराता रहता हूं, बट वो सच है। हम में से बहुत से लोग, बहुत से लोगों के बच्चे ये सपना देख रहे हैं कि वो इस इंडस्ट्री का भाग बनेंगे, डायरेक्टर्स बनेंगे, एक्टर्स बनेंगे, प्रोड्यूसर्स बनेंगे। लेट अस डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री वी वांट टू गिव देम, लेट अस टेक सम एक्शन सो दैट वी कैन फेस आवर डॉटर्स, आवर सन्स, आवर वाइव्स, आवर सिस्टर्स विद प्राइड। वी माइट फेल, सक्सेस माइट टेक अ लॉन्ग टाइम, बट लेट्स एटलीस्ट ट्राई। International Law Alliance, it's a big alliance, a lot of countries are its members. Mr. Jamshed Mistry, we have empaneled him also as one of our lawyers to fight the big cases. Thank you so much, Jamshed ji, for offering your services. Our Delhi office is now open. A lot of memberships are coming there. Hopefully, hum achhi tarah se chala payenge, because Delhi mein bahut sari shootings hone lagi hain. Web, again, as we said, the whole law we want, usme web platforms, everything should be included. Web ek nayi shuruaat hai, aur abhi khabrein mili hain ki jo platforms international norms follow karte hain apni apni countries mein, unke producers yahan bhi wahi 17-17 ghante kaam karwa rahe hain web series ke liye bhi. Aur actor darta hai complaint karne se, kyunki phir boycott ho jayega, nikal diya jayega, replace ho jayega. So an appeal to all broadcasters, sir, we want international guidelines, period. You have accepted them in other countries. What's wrong? What's wrong? Why not in India? Because hum to kisi bhi condition mein kaam kar lete hain. Hum to aise log hain. Barish ho, dhoop ho, pani ho, kuch bhi ho, 12 ghante, 14 ghante. Ye hamara plus point ab chhod dein to behtar hoga. Yahan se aap 26 नॉटिकल माइल बाहर जाइए, उस देश में जो सुविधाएं हैं, जो आप एक्सेप्ट करते हैं सारे वर्कर्स के लिए, यहां क्या आफत है? यहां क्यों नहीं भाई, रॉयल्टीज क्यों नहीं मिले क्रिएटिव्स को? दूसरे देशों में मिलती हैं, यहां क्यों नहीं? मेरे कंट्रीब्यूशन से, कैमरामैन के कॉन्ट्रीब्यूशन से, डायरेक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशन से, राइटर के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक अच्छी फिल्म, अच्छा सीरियल बनता है, जो हिट होता है, जो आपको जिंदगी भर पैसा कमाता रहेगा आपके लिए, उसमें मेरा हिस्सा क्यों नहीं है? जब मेरा बुरा दिन आएगा, उस दिन मुझे कहां से सहारा मिलेगा? यस, वी वॉन्ट एवरीथिंग, नाउ वी वॉन्ट इट ऑल। सो यस, फॉर एवरीथिंग लेट्स लर्न टू से नो, टाइम्स अप, लेट अस बी द चेंज। थैंक यू।